हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है, और ये भी बताऊंगा साथ में कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है, सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको सबसे नीचे आपको ये इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, सबका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन को इजिली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पर यह बताता हूँ कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि आपको अपने फोन का जो सिम कार्ड होता है मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में अगर कोई भी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है। ठीक है, और देखिए तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, उस डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। ठीक है, और बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये चार काम पहले करने हैं फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि फोन को मोबाइल फोन में अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का फायदा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बैकअप लेने का फायदा बताता हूँ क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और मोबाइल फ़ोन का डेटा का बैकअप नहीं लेते हैं तो ये सारा का सारा डेटा आपका डिलीट हो जाता है फैक्ट्री रीसेट करने से पहले। आपका फ़ोन अंदर से एकदम नया हो जाता है, जैसा आप दुकान से खरीद के लाते हैं अंदर से एकदम आपका डेटा खाली हो जाता है, अगर आप ये सब मेरे बताए हुए तरीके यूज़ नहीं करेंगे तो। ठीक है, और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और मोबाइल फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि जब आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आपके फ़ोन का डेटा तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जब आप अपने फोन में दोबारा से अपने पहले वाली जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का जितना डेटा जो डिलीट हो गया था वो सारा का सारा आपके फोन में वापस आ जाता है। ठीक है, तो बैकअप लेने का ये फायदा हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको सारी बातें डिटेल में समझा दी है। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है,